हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन था, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी गिवन थी 2 माइक्रोफेरेड चेंज इन फेरेड 2×10⁻⁶ फेरेड, पोटेंशियल इज गिवन 3 वोल्ट। क्वेश्चन था फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो फॉर्मूला यूज होगा U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी की वैल्यू हुई 2×10⁻⁶ एंड V 3 स्क्वायर 9। क्लास कट। ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया 9×10⁻⁶ जूल, इट द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है आयुष वर्मा ने, तो उनके लिए प्यारी सी ताली। वेरी गुड आयुष जी, भगवान आपको तरक्की दे। क्लास आगे बढ़ते हैं। हेलो क्लास, इस वीडियो की हम लोगों की टॉपिक है कैपेसिटर। क्लास व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट स्टोर चार्ज। रेड क्लास प्लीज मेंशन करिए, आप कॉपी ओपन करिए और मेरे साथ लिखिए। मैंने आपसे कहा मोबाइल को सामने रखिए, पेन कॉपी यूज करिए, आपकी पढ़ाई काफी अच्छी होगी। राइट, हेडिंग डालिए कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, मेंशन करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कितने तरह के कैपेसिटर होते हैं? तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हमारे होते हैं क्लास 3 टाइप्स। जो कैपेसिटर के टाइप हैं, यानी इनकी जो हमने नेमिंग की है किस बेस पे की है, इनफैक्ट कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं और इन प्लेटों का जो शेप होता है उसी शेप के बेस में हम लोग कैपेसिटर के नाम रखे गए। फर्स्ट टाइप नोट करिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हमारे कैपेसिटर की दोनों प्लेट पैरेलल, हमारे हाथ की तरह पैरेलल होंगी और आमने सामने होंगी। दूसरा होगा स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें क्या होगा, एक स्फीयर और उसके ऊपर दूसरा स्फीयर, दोनों स्फीयर कैसे होंगे, कोसेंट्रिक होंगे। राइट, सिंपल सी बात है, पहला स्फीयर हॉलो होगा, उसके अंदर हमने दूसरा स्फीयर डाल दिया, ये कहीं कनेक्ट नहीं होंगे, इसके लिए इनके बीच में हम इंसुलेटर डाल देते हैं। और थर्ड होगा क्लास नोट करिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें प्लेटों का जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, इट मींस ये पहली प्लेट होगी आपकी और उसके ऊपर से ये दूसरी प्लेट। जैसे बाकी मैंने आपको बताया ये प्लेट्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इट मींस इसे आप समझ सकते हैं ये पहली प्लेट है और इसके अंदर ये दूसरी प्लेट है। प्लेट का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हेडिंग डालिए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या और कैसे ये बनाई जाती है, तो आपने हेडिंग डाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नीचे सब हेडिंग डालिए, लिखिए हम एक कैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। तो इस चीज को आप जरा ध्यान से देखिए, प्लेट हमने ली है पहली और ये रही क्लास दूसरी प्लेट, ये प्लेट मेटलिक ही होनी चाहिए। राइट, मेरे हाथ को देखिए, ये पहला प्लेट और ये उसके सामने दूसरा प्लेट, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग ये लाइन नहीं है, ये प्लेट है, ऐसा पहला प्लेट उसके सामने ये दूसरा प्लेट। अब हम करते हैं क्या क्लास, यहां से फर्स्ट प्लेट से हम मशीन के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। राइट क्लास, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। कभी भी किसी भी बॉडी से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वेरी इजी, तो हम क्या करते हैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जैसे हम इस प्लेट से, ये देखिए प्लेट का, इट इज द फर्स्ट सरफेस, और इधर से देखिए सेकेंड सरफेस, यानी इस आउटर सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निकाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी इस पे इतने पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए।
राइट क्लास। अब आप इसे ध्यान से फिर देखिएगा, ये रही मेरी दूसरी प्लेट, जो इधर वाली प्लेट है इसका फर्स्ट सरफेस और ये रहा सेकेंड सरफेस। ये चार्ज इसके ऊपर इंडक्शन अप्लाई करेंगे राइट क्लास, और इस पे अपोजिट चार्ज इंडक्शन के थ्रू डेवलप करेंगे, यानी इनर सरफेस पे इस वाले सरफेस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव, और इधर क्या डेवलप होगा बताइए, पॉजिटिव। एग्री क्लास राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, सेकेंड सरफेस पे हमने लगा दी यहां से अर्थिंग एट द सिंबल ऑफ अर्थ थ्री लाइंस। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है क्लास, जीरो राइट। और यहां पे देखिए टर्मिनल, यानी कि ये हमारा आउटर सरफेस जहां से कनेक्ट है ये पॉइंट राइट। यहां पे चार्ज कैसे हैं, बस आप यहां के चार्ज को देखिएगा, इन साइड वाले चार्ज को आपको नहीं देखना है। ये चार्ज कैसे हैं आपके, पॉजिटिव, तो यहां का पोटेंशियल कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ग्राउंड अर्थ टू द प्लेट, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा इसे न्यूट्रल करेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे चार्ज उधर से पॉजिटिव न्यूट्रल। अब आप इधर से मशीन तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, अब उधर से अर्थिंग तोड़ दीजिए, और अब ये देखिए आपके सामने टू प्लेट्स हैं पॉजिटिव और ये देखिए निगेटिव राइट। और इनके बीच की डिस्टेंस जो हम रखते हैं वो वेरी स्मॉल, जिससे इजिली इंडक्शन हो। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपेसिटर। इनकी प्लेट का शेप है पैरेलल प्लेट, इसलिए इसका नाम हमने रखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एग्री क्लास। ये डायग्राम बना लीजिए और प्लीज इसके नीचे मेंशन करिए, इन कैपेसिटर टू प्लेट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर राइट। टू प्लेट्स चार्ज इक्वली एंड अपोजिटली एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज वेरी स्मॉल, अरेंजमेंट नोन एज कैपेसिटर राइट क्लास। ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम हेडिंग डालेंगे कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर राइट क्लास। हेडिंग डालिए कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर राइट, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम आपको यहां पे पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स इसे हम केसेस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो लिखिए फर्स्ट केस आपका होगा, फर्स्ट केस फुल्ली फिल अप एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। क्या होगा फर्स्ट केस क्लास, फुल्ली फिल अप एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये देखिए ये रही हमारी पहली प्लेट, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है स्मॉल डी एंड एरिया ऑफ प्लेट्स है ए राइट क्लास। अब हम यहां पे शुरू कर रहे हैं क्या निकालना है हमें, इसकी कैपेसिटी। इनके प्लेट्स के बीच में क्या फिलअप है, एयर, और वैक्यूम भी हो सकता है राइट क्लास, एयर हो या वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए ठीक। अब हम देखें हमें निकालना है C, तो C इक्वल्स टू Q बाई V, ये मैं आपको पीछे पढ़ा के ला रहा हूं। इट मीन्स इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटे कि अगर आप यहां पे V की वैल्यू पुट कर दे C आ जाएगा। अब बात है कि हम V लाएं कैसे राइट, तो आपने पढ़ा होगा पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम में, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट राइट, इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट। व्हाट इज द सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द सिग्मा बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए। एग्री क्लास। अब आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले को हम यहां पे पुट कर दें, यानी इक्वल्स टू हो गया बेटे Q अपॉन ए एप्साइलन नॉट राइट। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्यों फाइंड किया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल
राइट। कैसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू ई डी, राइट क्लास, वी इक्वल्स टू ई डी। इस फॉर्मूले को आपने ऐसे पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, ई इक्वल्स टू वी बाई डी, याद आया, राइट। अब इस वैल्यू को, ई की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए क्लास, देन वी इक्वल्स टू ए सॉरी क्यू अपॉन ए एप्साइलन नॉट इनटू डी, ये आ गया क्लास हमारा पोटेंशियल, राइट। देखिए हमने पहले क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, व्हाट इज द सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्यू बाई ए, वैल्यू पुट कर दिया क्यू बाई ए एप्साइलन नॉट, फिर फॉर्मूला हमारा इक्वल्स टू वी बाई डी, क्रॉस किया तो वी इक्वल्स टू ई डी, ई की वैल्यू डाल दी तो वी इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन ए एप्साइलन नॉट, और वी की इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहां पे, आपका आंसर ये देखिए क्यू अपॉन वी की वैल्यू है आपकी क्यू डी अपॉन ए एप्साइलन नॉट, क्यू क्यू कैंसिल, ये ऊपर आ गया क्लास, हो गया C इक्वल्स टू ए एप्साइलन नॉट बाई डी, इट इज फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कब, व्हेन फुल्ली फिल ऑफ एयर और वैक्यूम फिल ऑफ बिटवीन द प्लेट्स, राइट क्लास। अगर हम इन प्लेटों के बीच में, नेक्स्ट फॉर्मूला, इफ नोट करेंगे फुली फिल अप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी क्लास हमारी टॉपिक ये है कि हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में फुली फिल अप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मीन्स इंसुलेटर फिल अप कर दें तो क्या होगा, तो देखिए बीच की डिस्टेंस है डी, एरिया है ए, और इसमें हमने रख दिया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कोई भी इंसुलेटर, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटे, के। बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए बेटे, राइट। तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी सी इक्वल्स टू, बस के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के ए एप्साइलन नॉट बाय डी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के ए एप्साइलन नॉट बाय डी, इट मीन्स इफ फुल्ली फिल ऑफ एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स देन कैपेसिटी इज ए एप्साइलन नॉट बाय डी, एंड इफ फुल्ली फिल ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इट मीन्स एनी इंसुलेटर इन द बिटवीन द प्लेट्स देन कैपेसिटी के ए एप्साइलन नॉट बाय डी, इट मीन्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल अप बिटवीन द प्लेट्स देन कैपेसिटी इंक्रीजेस, कितना, के टाइम्स, राइट क्लास। फिर हर वीडियो की तरह लास्ट में आज का क्वेश्चन, तो तैयार हो जाइए और नोट कर लीजिए, लिखिए क्वेश्चन, प्लीज लिखना शुरू करिए। आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फुल्ली फिल ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स, फुल्ली फिल ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटी इज 10 microfarad, capacity is 10 microfarad. If a dielectric substance, dielectric constant is 50, fully filled up in same capacitor, now what is new capacity of capacitor? That's all class. Good day. Bye.